नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। पिछले सेशन में हमने वंदना पाठ के बारे में जाना, आज हम संस्कृत व्याकरण के बारे में जानेंगे। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है, उसे वेदों में भी उच्च स्थान प्राप्त हुआ है, इसीलिए उसे देववाणी भी कहा जाता है। संस्कृत इतना सूक्ष्म, जीवंत, गहन और रसप्रद है। उसका मुख्य कारण है उसका व्याकरण, और आज हम व्याकरण में अकारांत पुल्लिंग शब्दों की जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, यहाँ हम कक्षा 7 के प्रथम पाठ चित्रपदानी का अभ्यास करने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि यहाँ 3 विभाग दिए गए हैं, चित्रपदानी 1, 2 और 3। हर एक विभाग में दिए गए शब्द अलग अलग लिंग में हैं। चित्रपदानी 1 में 12 शब्द दिए गए हैं, वह हर एक शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अकारांत पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? जिन पुल्लिंग शब्द के अंत में अस्वर आता है उन्हें अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जैसे राम, अमर, बालक, देव, नर इत्यादि। उसका एक उदाहरण देखते हैं हम। राम, राम म हलंत है प्लस अ, इस शब्द के अंत में अ आने के कारण इसे अकारांत कहते हैं। चित्रपदानी 1, इस पाठ में हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों के एकवचन के विषय में पढ़ेंगे। अकारांत जिनका अंतिम वर्ण अ हो, पुल्लिंग जिनसे पुरुष जाति का बोध हो, शब्द जिनका अर्थ हो। चलिए जानते हैं। आसंदह चेयर, स्यूतः बैग, पत्रभारः पेपर वेट, समीकरः आयन, भ्रमणभाषः मोबाइल, पर्वतः माउंटेन, पर्यंकः बेड, कटः मैट, दंडदीपः ट्यूब लाइट, पादपः पादपः ट्री, चषकः ग्लास, कंदुकः बॉल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चित्रपदानी के सभी शब्दों का सही उच्चारण करेंगे। अब आसंदः, आसंदः, स्यूतः, स्यूतः, पत्रभारः, पत्रभारः, समीकरः, समीकरः, भ्रमणभाषः, भ्रमणभाषः, पर्वतः, पर्वतः, पर्यंकः, पर्यंकः, कटः, कटः, दंडदीपः, दंडदीपः, पादपः, पादपः, चषकः, चषकः, कंदुकः, कंदुकः,
कुछ और ऐसे शब्द देखते हैं जिसके अंत में स्वर आता हो अ, जिससे वो बनेगा पुल्लिंग शब्द। आइए बच्चों देखते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्दों में कुछ उदाहरण। पशु के अर्थात एनिमल्स, गजह, उष्ट्रह, अश्वह, कुकुरह। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में कुछ उदाहरण। पक्षी के बर्ड्स, काकह, हंसह, शुकह, बकह। अकारांत पुल्लिंग शब्द में कुछ उदाहरण। वस्तुएं ऑब्जेक्ट्स, घटः, दर्पणः, दीपः। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में कुछ उदाहरण। स्थल के अर्थात प्लेसेस, प्रासादः, आपणः, चिकित्सालयः, देवालयः, विद्यालयः। अकारांत पुल्लिंग शब्द में कुछ उदाहरण। व्यवसाय ऑक्यूपेशन, अध्यापक, सैनिक, चिकित्सक, नायक, गायक। तो बच्चों चित्रपदानी एक में आपने अकारांत शब्द पुल्लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की, संस्कृत शब्दों का सही उच्चारण करना सीखा एवं अन्य उदाहरण द्वारा अकारांत अर्थात शब्द के अंत में आता वर्ण अ और विसर्ग होने से शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाता है यह सीखा। तो है ना सरल अकारांत पुल्लिंग शब्द। और अब आप स्वयं दिए गए चित्रों की पहचान कर जानिए कि आपने कितना सीखा। यहाँ चित्रपदानी एक पूर्ण। आगे के सेशन में हम चित्रपदानी दो के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।